ओके बच्चों, देखो बच्चों, हम लोगों ने मस्तिष्क के विभिन्न भाग जो है कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो पहला जो हिस्सा होता है मस्तिष्क कितने भागों में डिवाइडेड होता है? तीन में। कौन कौन से होते हैं? अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, ठीक है, और फिर होता है तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। ठीक, अब हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? अग्र मस्तिष्क के भागों को। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, प्रमस्तिष्क, घ्राण, और जो तीसरा हिस्सा होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क पश्च। ये तीन हिस्से होते हैं, है ना। तो अभी हम लोग देखो, अग्र मस्तिष्क का पहला हिस्सा हम लोग देख रहे हैं वो है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो होता है वो दो तिहाई भाग जो होता है बनाता है, यानी मस्तिष्क का 80% भाग जो है वो प्रमस्तिष्क का बना होता है। ठीक है, अब अगर हम यहां से देखते हैं, ये ऊपर वाला व्यू जो बर्ड व्यू हम कहते हैं, ऊपर से हम देखते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा प्रमस्तिष्क होता है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हमको दिखता है इस तरीके से। ये इस प्रकार से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ये दायां गोलार्ध और ये बायां गोलार्ध। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? दायां गोलार्ध, और ये वाला क्या कहलाएगा? बायां गोलार्ध, है ना। अब इन दोनों गोलार्ध को तंत्रिका रेशों से बनी एक संरचना जोड़ती है जिसे महासंयोजक पिंड के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसे? महासंयोजक पिंड या कॉर्पस कैलोसम। ये इनको चिपकाए रखने का मदद करती है। ये जो आप देख रहे हो ये पट्टी जैसी स्ट्रक्चर है ना, ये क्या कहलाती है? तंत्रिका रेशों से बनी संरचना महासंयोजक पिंड या कॉर्पस कैलोसम कहलाती है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो इसका दायां गोलार्ध और ये बायां गोलार्ध है, इसके अंदर भी खांच पाई जाती है तीन, इधर पहली दूसरी और तीसरी, पहली दूसरी और तीसरी। इसकी वजह से ये कितने पिंड में बढ़ जाता है? चार, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चार पिंड के अंदर ये बटा हुआ हमको नजर आता है। अब अगर मैं इस प्रमस्तिष्क को ऐसे काटू, जैसे हम लोगों ने स्लाइड बनाई थी ना लास्ट ईयर, है ना, तो जब हम स्लाइड बनाते हैं या हम सलाद काटते हैं, इस तरह से मूली को काटते हैं, तो हमको गोल गोल स्ट्रक्चर दिखती है कि नहीं दिखती? तो सेम अगर हम इसको प्रमस्तिष्क को इस तरह से काटते हैं, टीएस काटते हैं ना इसकी, तो क्या होता है? हमें बाहर से ये डार्क कलर का दिखता है। इसकी स्लाइड कैसी दिखती है? बाहर से यानी धूसर द्रव्य की बनी हुई होती है, हम ऐसा बोलते हैं, और अंदर से एकदम सफेद होती है, तो इसको बोला जाता है श्वेत द्रव्य की बनी होती है। क्या होता है श्वेत द्रव्य और क्या होता है धूसर द्रव्य? देखो, हमारा ब्रेन है, उसके अंदर जो मेन कोशिकाएं होंगी जो उपस्थित होगी वो क्या होगी? तंत्रिका कोशिका। आप लोगों ने पढ़ा है तंत्रिका कोशिका कैसी होती है, लास्ट ईयर भी पढ़ा है और 11th से 10th में हमेशा पढ़ते आ रहे हो। तो तंत्रिका कोशिका की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, तो ये होते हैं तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स इस तरीके से। ये होता है तंत्रिकाक्ष, ये होता है काय, ये दुम्राक्ष में होते हैं, पढ़ा है ना। ठीक है, तो धूसर द्रव्य जो बना होता है उसमें तंत्रिका का कौन सा हिस्सा पाया जाता है? जितनी भी तंत्रिकाएं ब्रेन के अंदर उपस्थित होती है उनमें कौन सा हिस्सा पाया जाता है? कोशिका काय वाला, ये वाला हिस्सा है ना, ये काय वाला जो हिस्सा है, ये जो सेल जो दिख रही है जिससे दुम्राक्ष में निकले रहते हैं, ये हिस्सा जो है वो धूसर द्रव्य पाया जाता है। श्वेत द्रव्य में ये हिस्सा पाया जाता है तंत्रिकाक्ष वाला। ठीक है, समझ आ गया। तो धूसर द्रव्य का बना होता है और श्वेत द्रव्य का बना होता है। बाहर कैसा है? दूसरा द्रव्य। अंदर कैसा है? श्वेत द्रव्य। इसको ध्यान रखना, आ रही बात समझ में? क्योंकि जो हम मेरुरज जो पढ़ेंगे उसमें उल्टा हो जाएगा। तो बाहर धूसर और श्वेत, अंदर बाहर से गंदा गंदा और अंदर से एकदम क्लियर। ठीक है, अब जो ब्रेन है उसके, या हम बोले कि ब्रेन के प्रमस्तिष्क जो होता है वो पांच पिंडों में बटा होता है। वो पांच पिंड कौन से होते हैं? पांच पिंड बोले या पांच पालियों से मिलकर बना होता है, क्योंकि अभी देखा था हम लोगों ने कि तीन तीन खांच होती है। ये तीन खांच दिख रही है, एक दो तीन, तो ये पहली पाली, ये दूसरी पाली, ये तीसरी, और ये चौथी, और ये पांचवी जो होती है, इसको थोड़ा सा ऊपर हम डिसेक्ट करके, इन पालियों को डिसेक्ट करके देखते हैं तो हमको ये हिस्सा दिखता है इंसुला वाला, ये पांचवा। हरी बात समझ में? तो मेन ये एक दो तीन, एक दो तीन और चार जो है वो ऊपर से हमको दिखती है। तो पहली ये फ्रंटल, ठीक है, जो है फ्रंटल जो होती है क्रियात्मक विचारों को कंट्रोल करती है। फ्रंटल या अग्र ललाट पाली, ये आगे की तरफ होती है। फ्रंटल को क्या बोलेंगे? अग्र ललाट पाली। ये जो है हमारी क्रियात्मक विचार जो होते हैं, जैसे साइंटिस्ट वगैरह ही क्यों सोच पाते हैं, हम क्यों नहीं सोच पाते? तर्क करना, चिंतन शक्ति, है ना,
एकाग्रता का नियंत्रण करना, ये सब जो कंट्रोल में होता है, ये किसके होता है? फ्रंटल या ललाट पाली के कंट्रोल में होता है। फिर आती है पेराइटल। पेराइटल को कहा जाता है वित्तीय पाली। क्या बोलते हैं हम? वित्तीय। बोध, अनुभव, स्पर्श, गर्म, ठंडा, इससे चीजें जो सेंसेशंस होते हैं, है ना, वो हमें किससे? पेराइटल से। इसके अलावा हस्तशिल्प, जो मूर्तिकार और ये होते हैं, उनका ये जो वाला हिस्सा होता है बड़ा ज्यादा विकसित होता है ना, इसका कंट्रोलिंग पावर ज्यादा होता है भित्ति का, ठीक है। तो ये इसका काम होता है हस्तशिल्प वालों के लिए। फिर आता है ऑक्सीपिटल। ये जो होती है ऑक्सीपिटल जो होती है, अनुकपाली कहा जाता है इसको। क्या बोला जाता है? अनुकपालीय। ये जो है दृष्टि संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, दृष्टि संबंधित जो संवेदनाएं होती हैं, उनको प्राप्त करने का काम करता है। आगे बात समझ। फिर टेम्पोरल और शंख। शंख की ध्वनि हमको कहाँ सुनाई जाती है? कान में। तो जो टेम्पोरल शंख पिंड होती है, ये ध्वनि की व्याख्या और डिस्कोडिंग करने का काम करता है। ध्वनि कौन सी आ रही, कैसी आ रही, उसको पहचानने में मदद करता है, ठीक है। यानी जो सुनने की हमारी श्रवण क्षमता होती है, उसका जो नियंत्रण होता है वो करने का काम करता है। फिर आता है लास्ट जो है इंसुला। ये इंसुला जो होता है वो स्मृति यानी हमारी याददाश्त जो होती है, उसको उससे संबंधित जो सूचनाएं होती है उनको समन्वय का क्या करता है? कार्य करता है। इसके अलावा प्रमस्तिष्क के दूसरे हिस्से जो आप देख रहे हो ना, इनको भी संवेदनाएं पहुंचाने का काम करता है। फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। समझ आ गया? तो ये है हमारा कौन सा? प्रमस्तिष्क, पहले वाला हिस्सा किसका? मानव मस्तिष्क का। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? इसमें से आपको पूछ लिया जाएगा कि प्रमस्तिष्क के कार्य बताइए, तो आपको सीधा सीधा याद करना है फ्रंटल, ठीक है, यानी जो हमारी ललाटीय पाली होती है उसका काम होता है क्रियात्मक विचार, है ना, चिंतन करना, सोचना, समझना, एकाग्रता, इनसे सारे रिलेटेड काम होते हैं। फिर आती है पेराइटल, जिसको भित्ति कहते हैं, बोध, अनुभव, स्पर्श, गर्म, ठंडा, है ना, ऐसी जो क्रियाएं होती है, दर्द होना, इनको पहचानने समझने में मदद करता है, ऐसी क्रियाओं को अनुकपाली या जिसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटल, दृष्टि संबंधित टेम्पोरल, शंख श्रवण संबंधित इंसुला, स्मृति संबंधित जो होती है, और इंसुला के द्वारा प्रमस्तिष्क के अन्य भागों का क्या किया जाता है? समन्वय का कार्य किया जाता है, सूचनाओं का समन्वय करता है अन्य भागों तक। तो ये हमारा हुआ प्रमस्तिष्क। इसके बाद हम देखेंगे घ्राण, और उसके बाद हम देखेंगे जो अग्र मस्तिष्क फर्स्ट जो होता है उसमें भी तीन हिस्से डिवाइडेड होते हैं, उनको पढ़ेंगे। देखो ब्रेन के जो अग्र मस्तिष्क है उसके नेक्स्ट भागों को हम देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका घ्राण और थर्ड पार्ट है इसका अग्र मस्तिष्क पश्च, है ना। तो देखो सबसे पहले आता है घ्राण पिंड क्या होते हैं। तो जो हमारा ये वाला हिस्सा था बेटा, कौन सा था? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये वाला हिस्सा है हमारा प्रमस्तिष्क, है ना। तो प्रमस्तिष्क की जो हमारी ललाटीय पाली होती, फ्रंटल पाली होती, उसके नीचे ये नासिका है, ये नासा गुहा है, ध्यान रखना, है ना। तो इसके ऊपर की ओर होगा, और ये जो प्रमस्तिष्क की फ्रंटल पाली जो है उसके नीचे दो पिंड के रूप में, कितने पिंड होते हैं? दो पिंड के रूप में संरचना पाई जाती है, जिसको घ्राण पिंड कहा जाता है। देखो किससे कनेक्टेड है? नासा गुहा से। तो ऑब्वियस सी बात है, ये किसका, इसका कंट्रोल क्या होगा? गंध का उद्दीपन करना, जो स्मेल होती है उसको सूंघने में मदद करती है। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट, अग्र मस्तिष्क स्पष्ट, जिसे डायन्सेफेलोन भी कहा जाता है। तो स्थिति प्रमस्तिष्क के पीछे व नीचे की ओर होता है, यानी ये वाला हिस्सा, ये प्रमस्तिष्क है, इसके नीचे तो है ये, लेकिन थोड़ा सा किधर है? पीछे की ओर ये पाया जाता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क के पिंडों और मध्य मस्तिष्क के बीच इसकी स्थिति होती है। इसके बाद जो हिस्सा आएगा वो कौन सा आएगा? मध्य मस्तिष्क। लेकिन ये किसके बीच में पाया जाता है? प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच पाया जाता है अग्र मस्तिष्क स्पष्ट, जो कि किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का, ठीक है। नाम ही है इसका अग्र मस्तिष्क स्पष्ट, यानी अग्र मस्तिष्क के पीछे वाला हिस्सा, है ना। अग्र मस्तिष्क स्पष्ट के भाग कौन कौन से? अधिचेतक, चेतक और अधश्चेतक। अधिचेतक मस्तिष्क की तृतीय गुहा की छत बनाता है, ये मैंने बनाई है यहाँ पर, ये जो खाली स्थान देख रहे हो ना आप, ये तृतीय गुहा है, गुहा का मतलब खाली जगह है। तो तृतीय गुहा का छत बनाने का काम अधिचेतक का होता है, एपिथेलेमस का होता है, ठीक है। रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसे कहा जाता है अग्र रक्त
जालक, इसके अंदर रक्त केशिकाएं बहुत सारी पाई जाती है, छोटी छोटी नली रूपी संरचना जिसमें रक्त उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं रक्त केशिका। ठीक है, तो रक्त केशिका का जाल इसके अंदर पाया जाता है। फिर है इसमें पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, ये देखो मैंने यहाँ बनाई है, एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे कहा जाता है पीनियल ग्रंथि। ये पीनियल ग्रंथि जो होती है वो मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्रवण करती है जो दैनिक लयन का मदद करता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही रात अंधेरा होता है हमें नींद आती है, और जैसे ही हम उजाला होता है हमारी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाती है। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको मेंटेन करने का काम है इस मेलेटोनिन हार्मोन का। जैसे ही अंधेरा होगा मेलेटोनिन का स्रवण बढ़ जाएगा और हमें क्या आना शुरू हो जाएगी, नींद आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही उजाला होगा उसके अंदर इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पीनियल ग्रंथि के बाद में हम और पढ़ेंगे जब हम अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर। तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमें टाइम से सुलाती है और उठाती है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। फिर आता है चेतक यानी थैलेमस, इसको क्या कहते हैं हम, थैलेमस वाला हिस्सा। 80% यानी अग्र मस्तिष्क पश्च का जो 80% हिस्सा है वो इस थैलेमस के द्वारा बना होता है। किसके द्वारा, ये रहा थैलेमस, चेतक यानी अग्र मस्तिष्क पश्च का 80% हिस्सा चेतक का बना होता है, थैलेमस का बना होता है। ये एक प्रसारण केंद्र के रूप में काम करता है, रिले सेंटर कहा जाता है। ये सूचना को मेरु रज्जु से प्रमस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पर होती है हमारी मेरु रज्जु, तो मेरु रज्जु से सूचना को कहाँ पहुंचाएगा, इस प्रमस्तिष्क तक पहुंचाने का काम किसका है, थैलेमस का है। इसके अलावा जो सेकेंडरी इसके फंक्शन से दाब, दर्द, ताप और पीड़ा और श्रवण आदि क्रियाओं संबंधित, यानी दाब, दर्द, ताप, पीड़ा, श्रवण संबंधित सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है, प्रसारण किनका करता है, तो दाब, दर्द, ताप और पीड़ा संबंधित। लेकिन ताप कंट्रोल करने का काम अधश्चेतक का है, ये ध्यान रखना, ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रसारण केंद्र किसे कहते हैं, नीट में भी काम आएगा। और ये किन किन सूचनाओं का प्रसारण करता है, वे सूचना जो दाब, दर्द, ताप, पीड़ा, श्रवण है ना, संवेदना, ठीक है, इससे रिलेटेड होती है, उनको मेरु रज्जु से मस्तिष्क तक, प्रमस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। फिर अधश्चेतक जिसे हम हाइपोथैलेमस भी कहते हैं, ठीक है, क्या बोला जाएगा, ये रहा हाइपोथैलेमस, ये बनाया मैंने अधश्चेतक या हाइपोथैलेमस, ये इसे अधश्चेतक कहते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या होती है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। इसे हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि, देखो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड होती है, 10th के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था है ना, कई जो ग्रंथियां होती है पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं बेटा, पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा कई ऐसे हार्मोन्स होते हैं रिलीज किए जाते हैं जो अन्य ग्रंथियों के स्रवण को कंट्रोल करते हैं। यानी पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं वो अन्य ग्रंथियां होती है, जैसे कि वृषण हो गया, अंडाशय हो गया, हमारी ये थैलेमस हो गई है ना, अधिव्रय ग्रंथि होती है, इनके जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनका कंट्रोलिंग पावर पीयूष के ग्रंथि के पास, यानी इससे कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं तभी जाके वो ग्रंथियां अपने हार्मोन को क्या कर पाती है, रिलीज कर पाती है। लेकिन पीयूष ग्रंथि भी तब सक्रिय हो पाती है, पीयूष ग्रंथि से जो स्रवण होते हैं वो तब पॉसिबल हो पाते हैं जब हाइपोथैलेमस रिएक्ट करती है। हाइपोथैलेमस के द्वारा दो तरीके के हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, मोचक और निरोधी। अगर मोचक हार्मोन रिलीज करेगी तो पीयूष ग्रंथि अपने हार्मोन का स्रवण शुरू कर देगी, और निरोधी कर देगी तो पीयूष ग्रंथि अपने हार्मोन्स बनाना क्या करेगी, बंद कर देगी। तो इसे हम पीयूष ग्रंथि को भले ही हम क्या बोले, मास्टर ग्लैंड है ना, लेकिन ये हाइपोथैलेमस हमारी कहलाती है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक, समझ में आ गया। इसके अलावा अधश्चेतक के द्वारा भूख, प्यास, क्रोध, शरीर का जो समस्थन है यानी लवणों की जो मात्रा होती है, आयंस की जो मात्रा होती है वो बनाने का काम, और ताप नियंत्रण का काम जो होता है वो किसके पास होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। इसके अलावा इससे इसकी जो कोशिकाएं होती है अधश्चेतक की या हाइपोथैलेमस की, दो हार्मोन रिलीज करती है, पहला है वैसोप्रेसिन, ठीक है, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। तो वैसोप्रेसिन जो होती है वो इसको एडीएच भी कहा जाता है, ये मूत्र निर्माण के समय क्या करता है, जल अवशोषण का काम करता है। और ऑक्सीटोसिन जो होता है
वो प्रसव के दौरान और जो गर्भावस्था के दौरान बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको इन लोग इनको हम बाद में पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र वाले में, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि ये हाइपोथैलेमस सीक्रेट तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है इन हार्मोन्स को, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को, लेकिन निर्माण का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस या अधश्चेतक की कोशिकाएं करती है। तो इस तरीके से ये हमारा अग्र मस्तिष्क का जो तीन पार्ट थे, कौन कौन से? प्रमस्तिष्क, फिर घ्राणपिंड और तीसरा है अग्र मस्तिष्क पश्च, क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य मस्तिष्क। इसके बाद देखो बेटा, हम लोग मस्तिष्क के तीन भाग देख रहे हैं। अग्र मस्तिष्क कंप्लीट हो गया हमारा, प्रमस्तिष्क घ्राण और अग्र मस्तिष्क पश्च। इसके बाद आता है हमारा मध्य मस्तिष्क, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया है तीनों पार्ट को, अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क को और उसके बाद पढ़ेंगे हम पश्च मस्तिष्क को, ठीक है। तो जो मध्य मस्तिष्क होती है, इसके अंदर एक सक्रिय गुहा पाई जाती है जिसे इंटर या सिल्वियस एक्वीडक्ट कहा जाता है। प्रमस्तिष्क और जो पश्च मस्तिष्क के बीच का हिस्सा है वो हमारा क्या कहलाएगा? मध्य मस्तिष्क, ठीक है। या हम कहेंगे अग्र मस्तिष्क और किसके बीच में आ रहा है? अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा? मध्य मस्तिष्क, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक सक्रिय गुहा पाई जाती है जिसे इंटर सिल्वियस इक्विडक्ट कहा जाता है। गुहा का नाम आपको पूछा जा सकता है। फिर है मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, दो भागों से मिलके बना होता है। पहला होता है क्रूरा सेरिब्राई या प्रस मस्तिष्क वृन्तक कहा जाता है। एक जोड़ी पाए जाते हैं, मतलब टोटल संख्या कितनी होती है? दो। टोटल संख्या इनकी होती है, इन मतलब पतले पतले तंतु जैसी, वृन्तक क्या होते हैं? धागे जैसी संरचना है ना, तो इस तरीके से धागे से बनी हुई संरचना जो होती है, धागे के समान बनी हुई संरचना होती है जो एक जोड़ी होती है, मतलब टोटल काउंट होता है इनका दो। माइलिन आच्छंद युक्त तंत्रिका तंतु से पाया, तंत्रिका तंतुओं से बना होता है। मतलब तंत्रिकाएं जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर इसका निर्माण करती है, लेकिन जिनके तंत्रिकाक्ष पर माइलिन यानी वसा युक्त जो आच्छंद पाया जाता है। माइलिन आच्छंद का क्या मतलब है बेटा? ये वाला हिस्सा है तंत्रिकाक्ष, है ना। इस तंत्रिकाक्ष वाले हिस्से पर वसा युक्त एक परत पाई जाती है जिसे बोला जाता है माइलिन आच्छंद, है ना। तो ये जो तंत्रिकाएं होती हैं जिन पे माइलिन आच्छंद पाया जाता है, वो तंत्रिकाएं मिलकर पतले पतले धागे जैसी संरचना बनती है जिन्हें तंत्रिका तंतु कहा जाता है। और वो तंत्रिका तंतु किसका निर्माण करेंगे? प्रमस्तिष्क वृन्तक या क्रूरा सेरिबाई का करेंगे। काम क्या है इसका? इसका कार्य है अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क व मेरु रज्जु से जोड़ना। ये जो अग्र मस्तिष्क दिख रहा है इसको पीछे वाले पश्च मस्तिष्क से जोड़ने का काम किसका है? क्रूरा सेरिब्राई का। ये देखो आप बीच में देख रहे हो, ये जो संरचना है बीच में तंतु जैसी, ये हमारे क्रूरा सेरिब्राई का है। दूसरा इसका पार्ट होता है जिसे कहा जाता है पिंड चतुष्क या कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना, ठीक है। चार पिंड के समान संरचना पाई जाती इन वृंत के दोनों ओर, दो इधर और दो इधर। आगे बात समझ में? इन्हें हम क्वार्परा क्वार्डी जेमिना कहा जाते हैं, मतलब एक दो तीन और चार, चारों को कंबाइंडली हम बोलेंगे क्वार्परा क्वार्डी जेमिना। लेकिन अगर मैं सिर्फ चार को बोलूंगी, सिर्फ मेरे को चार के बारे में बोलना है, तो मैं इसको एक को बोलूंगी कॉलिकुलस, ठीक है। यानी अगर ये चारों के चारों एक साथ बोले, यानी हम इन चारों की बात कर रहे हैं, तब तो इनको कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना कहा जाएगा। लेकिन अगर हम इनमें से एक की बात करें, चाहे पहला ले लो, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, चौथा ले लो, एक को हम क्या बोलेंगे? कॉलिकुलस बोलेंगे। यानी एक अकेला पिंड कॉलिकुलस कहलाता है, लेकिन चारों जुड़ जाते हैं, कंबाइंडली हम बोलते हैं बहुवचन रूप में, तो कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना कहा जाता है। अब देखो आगे वाले जो दो पिंड है वो दृष्टि संबंधित प्रतिवृत्ति क्रियाओं के केंद्र होते हैं। आंखें आगे होती है ना, तो दृष्टि संबंधित प्रतिवृत्ति क्रियाओं के केंद्र, और पीछे वाले कान पीछे होते हैं, तो पीछे वाले दोनों पिंड ये जो दो दिख रहे हैं आपको, वो श्रवण संबंधित जो प्रतिवृत्ति क्रिया का केंद्र है वो कहलाती है। तो इस तरीके से आपका ये मध्य मस्तिष्क कंप्लीट होता है। अब आपका बच रहा है सिर्फ ओनली पश्च मस्तिष्क।